Jeopardy, stuff me. यहाँ पर आके ना मुझे एक मूवी मैंने देखी थी बचपन में, द मास्क, उसकी याद आ गई। तो यहाँ मैं आज आया हूँ जैक ओ लेंटन में, जो यहाँ पर एक हेलोइन फेस्टिवल होता है उसके लिए ये जगह बनाई गई है। काफ़ी स्पूकी जगह है और इस जगह पे कम से कम 7,000 पंपकिन है हैंडक्राफ्ट किए हुए, जो यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइनर लोग जो है ना उन्होंने हैंडक्राफ्ट करके इनको बहुत अच्छी चीज़ों में कन्वर्ट करके बनाया है। तो एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं और देखते हैं और आप भी थोड़ा लुफ्त उठाएं, बहुत मज़ा आएगा। और हाँ, अंदर जाने से पहले अगर आपने इसका मज़ा लेना है ना, तो लाइटें शाइटें अपनी सारी बंद कर दो और उसके बाद देखना, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा होगा और जगमगाते पंपकिन होंगे, तो काफ़ी माहौल बन जाएगा। तो फटाफट अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं, लेट्स गो। अरे एक और बात तो मैं बताना भूल गया, ये जो जगह है न्यूयॉर्क सिटी से अबाउट 45 मिनट से 1 आवर की दूरी में है। इस जगह को कहते हैं हडसन वैली, थोड़ी अपस्टेट न्यूयॉर्क में आ जाती है। अभी कुछ टाइम हो रहा है 9 बजे और कुछ 1 घंटे का ये टूर है, तो मैं पूरे आराम से मज़े लूँगा जब तक ये मुझे निकाल नहीं देते। तो भाई हो गया स्टार्ट। ये क्या 3 हड्डियों वाले पुतले खड़े थे और ये है आर्टिस्टिक तरीक़ों से इन्होंने पंपकिन बना रखे हैं। इसकी आंखें देखो कितनी बड़ी है और वो पीछे देखो वो स्मूकी तरीके से हंस रहा है। और ये क्या थोड़े ट्रेडिशनल टाइप के बना रखे हैं और ये क्या मिक्की माउस जैसा मुझे लग रहा है, और साथ में इन्होंने एक नॉर्मल रखा हुआ है। और ये क्या इतनी बड़ी फिश यार, ये काफ़ी बड़ी है यार फिश। और चलो आगे देखते हैं और क्या क्या दिखाते हैं। ये कुछ फूलों सा लग रहा है और विंड मिल के पास, अच्छा ये क्या एक छोटी सी बटरफ्लाई विंड मिल के साथ, ये कॉम्बिनेशन इंटरेस्टिंग है। और अगर आगे चलो तो ये हमें दिख रही है जेली फिश की सीलिंग। ये मुझे जो कलर है ना वॉलेट और ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट देखते हैं आगे क्या होता है। चलो अपना एक ब्रिज भी आ गया, अब ब्रिज ये कुछ हिल तो रहा नहीं है, मेरा कैमरा हिल रहा है इसमें, बट डिसेंट है। और ये पंपकिन भी इसने लगा रखे हैं इन्होंने साइड में ब्रिज की सपोर्ट के लिए, तो ये भी अच्छा ही है। और ये आ गया इनका पेंटिंग सेक्शन, और ये तो फ्रीडा की पेंटिंग है, ये तो काफ़ी फेमस, और इसके नेकलेस में जो बना हुआ है पंपकिन ये काफ़ी अच्छा है। और ये रही अपनी बैंक्सी वाली पेंटिंग जो डिस्ट्रॉय हो गई थी, अब जिसकी सेल हुई थी $1.4 मिलियन की, ये भी लगा रखी है। ये पेंटिंग आर्टिस्ट मुझे याद नहीं आ रहा कौन है, और ये तो सबको ही पता है अपनी मोनालिसा कहाँ है, सोना उसकी भी इन्होंने बना रखी है। और ये पेंटिंग सेक्शन हो गया है ख़त्म, आगे देखते हैं ये क्या है। और ये क्या, ये इन्होंने डॉग बना रखा है, ये भी एक बहुत फेमस आर्टिस्ट है, मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा, नहीं याद आ रहा बट। और ये अपना आ गया ड्रैगन, ये तो बहुत ज़बरदस्त लगा यार, ये मुझे अभी तक जितनी भी चीज़ें देखी है ना ये लग रहा है कुछ ज़बरदस्त। और यहाँ तो एक फ़ोटो तो बनती है, तो एक फ़ोटो तो खींचेंगे यहाँ पे। और आ गया अपना क्या कहते हैं इसको कराउजो, तो ये आ गया, ये एक्चुअली दिख रहे हैं छोटे छोटे डायनासोर, डायनासोर भाई इसमें घूम रहे हैं। और ये अपनी डायने आ गई है विच जो कहते हैं जिनको यहाँ पर, और लगी हुई है वो भी, चलो इन्होंने बना रखा है ये अलग से ही सेक्शन है कुछ। ये बस इन्होंने पंपकिन ब्लेज जस्ट अ वॉल विद डिफरेंट डिजाइंस। तो ये आ गया अपना बड़ा वाला डायनासोर, और एक दूसरा डायनासोर भी है भाई, दो टाइप के डायनासोर इन्होंने बना रखे हैं, बढ़िया। तीसरा भी है डायनासोर छोटा साइड में बना रखा है इन्होंने, पर ये इनका स्पाइडर वेब,
और ये पीछे पीछे स्पाइडर भी बना रखे हैं। सही है, स्पाइडर वेब बना रखे हैं और स्पाइडर्स भी दिख रहे हैं। काफ़ी अच्छा है यार ये, मतलब अच्छे तरीके से इन्होंने खड़ा कर रखा है, बैलेंस भी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ये आ गया अपना न्यूयॉर्क का स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसके बिना तो बात नहीं बनती ना। अब न्यूयॉर्क में है तो ये तो वो बनाएंगे, ये तो बनता है उनका। और ये न्यूयॉर्क में जैसे यहाँ की जो लोकल रिक्शा है वो दिखा रखी है। और ये अपना सबवे स्टेशन, यहाँ पे नुक्के नुक्के पे तुम्हें यहाँ पे सबवे स्टेशन दिख जाएगा। और ये टैक्सी पुलिस की वो बना रखी है। और ये कपल यहाँ पे बैठ के रोमांटिकली इंजॉय कर रहे हैं, सेंट्रल पार्क वाली थीम लग रही है मुझे थोड़ी सी। और ये ज़बरदस्त लग रहा है, ये बिल्कुल स्पूकी तरीके से लेफ्ट राइट पेंडुलम जो चल रही है ना, ये मस्त है। तो ये भाई आगे इनका, अभी मुझे इन्होंने बताया कि इनके घर के आगे जो गार्ड करता है वो वाला बड़ा सा पम्पकिन। और ये लाइटें शाइटें जैसे इसकी जलेंगी तो ये पूरा घर बिल्कुल जगमगा जाएगा, और दिखता है जग जगमगाते हुए। तो काफ़ी क्यों ग्रीन कलर से तो इसकी ब्लू कलर मैंने पहले देखे, बट ग्रीन कलर तो एक अलग ही फीलिंग आ रही है इसको देख के। और ये स्केयर को इन्होंने रख रखे हैं, वो तो भाई इनका बनता ही है, ये तो हर जगह होते ही हैं, वैसे हैलोवीन पे भी बड़े सारे दिखेंगे। और ये इन्होंने आगे क्या बना रखा है, छोटा सा जस्ट ऐसे ही खड़े करने का फूल भी बना दिए इन्होंने। अब ये कुछ बड़े से ही पम्पकिन मुझे लग रहे हैं, और ये लग रहा है राइजिंग फ्रॉम डेड, मतलब ग्राउंड से उठ के आएंगे। देखें और भी हैं बड़े सारे, तो पहले अपना ने फोकस किया था, ये तो और भी मुझे दिख रहे हैं। और ये आ गया है इनका हेडलेस हॉर्समैन ब्रिज, और इसकी एक पोएम भी थी विच इज़ वेरी फेमस, विच वॉज डन बाय जॉन ग्रीनलीफ। एंड मैं अपना सेल निकालता हूँ और आपको सुनाता हूँ। इट गोज बाय, O fruit loved of boyhood, the old days recalling, when wood grapes were purpling and brown nuts were falling, when wild ugly faces we carved in its skin, glaring out through the dark with a candle within. तो काफ़ी बढ़िया और famous इसकी poem है। तो इसी के साथ अपना टूर समाप्त होने के कगार पे आ गया है। हाँ भाई, कैसी लगी जगह? भाई मेरे को तो बहुत मज़ा आया हमेशा की तरह। पर एक और बात यार मैं बताना भूल गया, यहाँ पर आने की टिकट अबाउट कभी $30 से लेके $90 तक के बीच में होती है। मुझे ना एक कमेंट आया था पहले कि भाई जब भी जहाँ मैं जाता हूँ उसकी मैं प्राइस नहीं बताता, तो इसीलिए मैं अब याद रखूँगा कि प्राइस हमेशा बताऊँ। बट मेरे यहाँ आने की मेरी को टिकट आज लगी है अबाउट $50। कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना कि इस जगह पे कौन सी चीज़ या कौन सी जगह आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि यार मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, मैं रात को पढ़ता हूँ या कभी कभी सुबह उठ के पढ़ता हूँ, मुझे मज़ा बहुत आता है जब आपके मैं कमेंट देखता हूँ। तो कमेंट ज़रूर करना, शेयर और लाइक तो बनता ही है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका अपना देसी न्यूकर। और हाँ, आप सोच रहे होगे रात को मैं अपने चश्मे वश्मे लगा के क्यों घूम रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ना थोड़ी स्पूकी फीलिंग चाहिए थी कि मैं वहाँ जाऊँ, मुझे और कुछ ना दिखे, बस सिर्फ लाइटें और पम्पकिन दिखे, और इसी के लिए मैंने अपना चश्मा लगाया था। तो अब मैं अपने काम करता हूँ, यहाँ पर काफ़ी लेट हो गया है, और मैं अपनी ऊबर को कॉल करता हूँ और फटाफट अपने घर को निकलता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।